हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। हजापा सेमीकंडक्टर का पार्ट टू करने जा रहे हैं और इस वीडियो में जो जो टॉपिक कवर करेंगे उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि डोपिंग क्या होती है, उसके बाद देखेंगे कि सेमीकंडक्टर के टाइप्स क्या होते हैं। सेमीकंडक्टर जनरली टू टाइप्स के होते हैं, इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक। ठीक है, एक्सट्रेंसिक फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसके बाद जो अपना टॉपिक आने वाला है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, वो क्या है, चार्ज कैरियर इन एन एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं कि डोपिंग क्या होती है। अब डोपिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस, ये जनरली एक प्रोसेस होता है, कौन सा, जिसके अंदर आप किसी भी इम्प्योरिटीज़ को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, यानी कि द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज़ इज़ जनरली नोन एज डोपिंग। अब इसको कैसे समझें, अब देखो अपने पास एक ये मिल्क का कंटेनर है। ठीक है, ये अपने पास क्या है, मिल्क का कंटेनर, और ये अपने पास क्या है, वाटर। ये अपने पास क्या हो गया, वाटर, और ये अपने पास क्या हो गया, मिल्क। ये पिछली वीडियो में भी एग्जांपल दिया था, ठीक है, सेम वैसा ही है। अब क्या किया, वाटर को आपने मिल्क के अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये जो वाटर है ये किसका काम कर रहा है, इम्प्योरिटी का काम कर रहा है, और जो इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं ना, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं आपा, डोपिंग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर जनरली अभी बताया है दो तरह के होते हैं, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। अब समझते हैं इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं और एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। सबसे पहले देखेंगे इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। जो सेमीकंडक्टर प्योर फॉर्म में होते हैं, यानी कि उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी ऐड नहीं होती, यानी कि एक एग्जांपल के तौर पे समझो, जैसे ही अपने पास मिल्क है तो मिल्क के अंदर सिर्फ क्या है, मिल्क ही है, यानी कि वाटर नहीं है, तो ये क्या हो गया, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसके लिए आप एग्जांपल एटम के केस में भी देखेंगे, बट एक बार याद करने के लिए तरीका है कि मिल्क के अंदर मिल्क ही है यानी कि वाटर नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इंट्रेंसिक, यानी कि प्योर फॉर्म ऑफ मिल्क इज जनरली। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। जो अपने पास नेक्स्ट आता है वो आता है एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर अपने को डीपली पढ़ना है, यही अपने पास सिलेबस में है। तो एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये सेमीकंडक्टर वो होता है जिसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती है। ठीक है, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज़ ऐड कर देते हैं, और इम्प्योरिटीज़ को ऐड करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डोपिंग। अब एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, एक तो होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब सबसे पहले जान लेते हैं पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। उसके लिए ये मैंने बोला था कि ये आपको याद करनी पड़ेगी, ये वाली जो टेबल है ना आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे, और मैंने ये याद भी करवाई थी। अब इसी के ऊपर सारे पी टाइप और एन टाइप क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, अब ये वाला कॉलम तो मैंने बोला था कि कॉमन है, ये क्या है, कॉमन। कॉमन मतलब इसी के अंदर अपने को क्या करना है, ऐड करना है सब चीज़ों को। ठीक है, इसी के अंदर क्या करना है, सब चीज़ों को ऐड करना है। अब देखो ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी, मैंने इसको ट्राईवेलेंट क्यों बोला, क्योंकि इसके जो वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन, इसलिए मैंने इसको ट्राईवेलेंट बोला। 3 इलेक्ट्रॉन क्यों है, अगर आप के एल एम एन में फिल करते हैं, जैसे फर्स्ट सेल के हो गया, सेकंड सेल एल हो गया, फिर एम हो गया। अब एग्जांपल लेके देखो एल्यूमिनियम का, फर्स्ट में कितने आएंगे, 2, इसमें कितने आएंगे, 8, 8 और 2 10, बच गए कितने, 3, तो 3 इसके अंदर आ जाएंगे। तो वैलेंस बैंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, इसीलिए आप इसको क्या बोल सकते हैं, इसीलिए आप इसको ट्राई वैलेंट भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, ट्राई वैलेंट। ठीक है, जब ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, कौन सी इम्प्योरिटी, ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तो अपने पास जो सेमी कंडक्टर बनता है वो बनता है पी टाइप सेमी कंडक्टर। ठीक है, और जब पेंटावोलेंट ऐड करते हैं, पेंटावोलेंट कैसे, जैसे ये के सेल हो गया, ये एल सेल हो गया, फर्स्ट में कितने हैं, 2 नाइट्रोजन एन के केस में। ठीक है, फर्स्ट में कितने हैं, 2, और बच गए कितने, 5, तो जो आउटर मोस्ट सेल है यानी कि वैलेंस बैंड है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, हमेशा 5 इलेक्ट्रॉन, इसी को बोलते हैं पेंटावोलेंट। ठीक है, पेंटावोलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तो कौन सा सेमीकंडक्टर बनता है,
एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसलिए मैंने कल बोला था कि आपको ये एलिमेंट्स याद करने होंगे। क्यों याद करने होंगे? क्या पता वो कौन सा एलिमेंट इसके अंदर ऐड कर दे, तो आप कैसे पता लगाओगे कि ये कौन सा एलिमेंट है? अगर वो वाला फॉर्मूला आपको याद होगा ना, बैंगन आलू गाजर इन थैला, ये 13 के एलिमेंट होंगे। और 15 के एलिमेंट क्या होंगे? नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान, ये आपको 15 के याद हो गए। तो 13 के भी याद हो गए, 15 के भी याद हो गए। अब आप आसानी से बता सकते हो कि कौन सा पी टाइप है, कौन सा एन टाइप है। ठीक है, अब इनको थोड़ा डीप में पढ़ते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। एन टाइप के अंदर अपने पास कौन सी इम्प्योरिटी ऐड करते हैं? पेंटावोलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, यानी कि पेंटावोलेंट, जिसके अंदर आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये टेबल मैं आपको समझा ही चुका हूँ, यानी कि एटम जब ज्वाइन होते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब मान के चलो आपन ने फास्फोरस को ऐड कर दिया। क्या कर दिया? फास्फोरस। फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। बट इसको सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए कितने चाहिए? 4 ही। तो इसके पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन किस में है? एक्सेस में। एक बारी फिर से देखो, ये जो फास्फोरस है इसके वैलेंस बैंड में कितने हैं? 5। सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए इसको कितने चाहिए? 4। बचगा कितना? एक इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है? एक्सेस के अंदर। आ गया समझ में? एक इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है? एक्सेस के अंदर। अब क्या होगा, ये कुछ इस तरह से बॉन्ड बनाएगा, यानी कि सिलिकॉन को क्या कर लेगा? रिप्लेस कर लेगा। अगर ये सिलिकॉन को रिप्लेस करता है तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? फास्फोरस। 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके यहीं आ जाएंगे, 1 2 3 4, ये अपने पास क्या आ गए? 4 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्या होगा, जो ये एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? एक्सेस में है। किसके अंदर है? एक्सेस के अंदर। तो अब इसको एक एग्जांपल से समझो, ये अपने पास कोई बंदा है, ये अपने पास क्या है? कोई बंदा है, ठीक है। ये 4 चपाती लेके आया, ये लेके आया 5 चपाती, सॉरी कितनी लेके आया? 5 चपाती। यानी 5 चपाती से किससे रिलेटेड करूँ? 5 इलेक्ट्रॉन से। अब सिलिकॉन को तो 4 ही चपाती खानी है, कितनी खानी है? 4 चपाती। बट ये लेके कितनी आया? 5। तो एक चपाती कहाँ चली जाएगी? और सिलिकॉन के पास चली जाएगी। तो इसने क्या कर दिया, एक चपाती को डोनेट कर दिया। किसको? और सिलिकॉन के एटम को। एक सिलिकॉन ने तो 4 ही खानी थी, बच गई कितनी? 1 फालतू, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन बच गया। एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया इसने? डोनेट कर दिया। ठीक है, अब इसी के बेसिस के ऊपर आप आगे थ्योरी बनाते हैं। क्या? अब देखो, अगर प्योर है, प्योर सेमी मतलब इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर है, वो क्या होता है? प्योर सेमीकंडक्टर। तो उसके अंदर क्या होंगे? जो होल होंगे और इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे। मैंने फर्स्ट केस वही लिखा है। अब देखो, ये अपने पास कौन सा टाइप है? एन टाइप सेमीकंडक्टर है। एन टाइप क्या है? पेंटावोलेंट। ठीक है, पेंटावोलेंट यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड बनाने के लिए कितने चाहिए? 4। ठीक है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ होल्स क्या है? कम है। नंबर ऑफ होल्स क्या है? जो ये होल्स है ना, ये क्या है? कम है। बट इलेक्ट्रॉन क्या है? ज़्यादा है। तो मैंने वही लिखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। और ये इम्प्योर शो करता है, क्योंकि इनके जो होल्स हैं और इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? इक्वल नहीं है। तो ज़्यादा क्या है इसके अंदर? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये एक चपाती ज़्यादा लेके आया था, एक चपाती फालतू लेके आया था, यानी कि एक रोटी फालतू लेके आया था। तो इसके अंदर जो एक रोटी का मतलब कि है इलेक्ट्रॉन फालतू लेके आया था, तो एक इलेक्ट्रॉन फालतू लेके आएगा तो क्या कर देगा? डोनेट कर देगा। डोनेट कर देगा यानी कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया इसने? डोनेट कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे और होल्स क्या? कम होंगे। तो इसके अंदर जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर है ना, वो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। मेजोरिटी चार्ज कैरियर का मतलब है ज़्यादा संख्या में क्या होंगे, ठीक है, एक्सेस में क्या होंगे? वो होंगे इलेक्ट्रॉन। और मिनोरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे? होल। आ गया समझ में? और ये क्या है? एक पेंटावोलेंट है, वो मैं समझा ही चुका हूँ आपको। और इलेक्ट्रॉन के कारण करंट है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। और होल्स के कारण जो करंट होगा वो क्या होगा? कम होगा। ठीक है, अब देखो, मेजोरिटी में क्या है? इलेक्ट्रॉन। मिनोरिटी में क्या है? होल्स। ठीक है, क्योंकि ये डोनर टाइप का, ठीक है, क्योंकि ये एक डोनर टाइप है, एक रोटी फालतू लेके आई, इसने क्या कर दी? डोनेट कर दी।
अब देखो इसका जो बैंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका डायग्राम बनाते हैं अपन, ठीक है। किस तरह से, देखो कल दो चीज़ की थी अपन ने, यहाँ पर क्या था अपने पास, वैलेंस बैंड, यहाँ पर क्या था अपने पास, यहाँ पर अपने पास क्या था, को यहाँ पर अपने पास क्या था, कंडक्शन बैंड। अब देखो ये किसका काम कर रहे हैं, डोनर का। और जो चार्ज कैरियर है, मतलब चार्ज किसके कारण है, इलेक्ट्रॉन के कारण, डोनर का काम कर रहा है। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे आएंगे, क्यों नीचे आएंगे, अब देखो डोनर का काम कर रहे हैं तो करंट को क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, यहाँ से यहाँ जाने में आसानी होगी। इसलिए ये जो एनर्जी डायग्राम है ये कुछ इस तरह से बनेगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो कहाँ आएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, एनर्जी ऑफ डोनर यानी कि कंडक्शन बैंड के बिल्कुल नीचे। ये हो गया फ्रेंड्स अपने पास एन टाइप सेमीकंडक्टर। उसके बाद आप बात करते हैं इसकी, जनरली अगर थ्योरी पढ़े तो थ्योरी एक बारी देख लेते हैं, अगर थ्योरी के बारे में बात करते हैं। अब देखो व्हेन वी डोप ग्रुप 15 एलिमेंट, ये वाला मैं बता ही चुका हूँ, व्हेन वी डोप ग्रुप 15 एलिमेंट इन 14, द ग्रुप 15 एलिमेंट फॉर्म फोर बॉन्ड्स, ठीक है, विद 14 एलिमेंट एंड देयर इज रिमेनिंग वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन विच लाई जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड एंड इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर। यानी कि ये वाला अपना कंडक्शन बैंड था, इसके बिल्कुल नीचे होंगे और ये सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। और एज नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इज रीजन ऑफ कंडक्टिविटी, जो कंडक्टिविटी का रीजन हो क्या है, नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई सेमी कंडक्टर इज कॉल्ड एन टाइप सेमी कंडक्टर, ठीक है। उसके बाद आप बात करते हैं पी टाइप सेमी कंडक्टर के बारे में, कौन सा टाइप है अपने पास, पी टाइप सेमी कंडक्टर। पी टाइप में मैं पहले ही बता चुका हूँ क्या करना होता है, ग्रुप 13 के एलिमेंट किसके अंदर ऐड करने होते हैं, 14 के अंदर, और ये क्या लाते हैं, ट्राईवेलेंट, ठीक है। अगर 13 के एलिमेंट 14 में ऐड कर देते हैं तो अपने पास कौन सा सेमी कंडक्टर बनता है, पी टाइप सेमी कंडक्टर, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले पी टाइप को समझते हैं, जैसे ये वाला सेमी कंडक्टर है, एटम है सिलिकॉन का, इसके अंदर आपने ऐड किया गैलियम, ठीक है, किसको ऐड करते हैं, गैलियम को ऐड कर देते हैं। उसके लिए अपने को क्या करना होगा, देखो गैलियम के पास, इसको क्या बोलते हैं, ट्राईवेलेंट, यानी कि वैलेंस बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। अब समझो ये गैलियम सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो कितने एटम कर लेंगे, 3 हो जाएंगे, और एक एटम की जगह क्या बच जाएगी, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की जगह क्या बच जाएगी, खाली। इसी को जनरली आप क्या बोलते हैं, होल, खाली जगह को बोलते हैं होल। अब इसको ऐसे समझो, ये कोई बंदा है, ठीक है, ये लेके आता है 3 रोटी, बट सिलिकॉन को कितनी रोटी चाहिए, 4। ये इसके पास क्या है, एक रोटी नहीं है, तो या ये क्या करेगा, एक रोटी एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पर रोटी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन लेके आया, इसको चाहिए कितने बॉन्ड बनाने के लिए सिलिकॉन को, 4, तो एक जगह क्या हो जाएगी यहाँ पर, खाली, इसी खाली जगह को क्या बोलेंगे, होल। और इसको खानी 4 रोटी है, तो ये एक रोटी क्या कर लेगा, किसी और से एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, यानी कि एक्सेप्ट करेगा तो किसका मोशन होगा, इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा। क्या एक्सेप्ट करेगा, यानी कि ये पॉजिटिव पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इस स्टेट में आ जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज की जगह। तो जब ये होल बनता है ना, इसी होल के कारण आपा बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, होल बनने के कारण इसी को आपा बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब इसके जैसे कोई पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इक्वल नहीं है, ये कौन सी ग्रुप के एलिमेंट है, 13 के, इसीलिए आप इसको क्या बोलेंगे, ट्राईवेलेंट। उसके बाद ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, यानी कि सिलिकॉन को 4 रोटी खानी है, ये ये गैलियम लेके कितनी आया, 3, तो ये एक रोटी क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। और इस केस में क्या है, यानी कि
इस केस में यहाँ पर एक होल है, सिमिलरली यहाँ पर भी एक होल हो जाएगा जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा, एक होल यहाँ पर हो जाएगा जब ये एक्सेप्ट करेगा, यानी कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये एक्सेप्ट करता रहेगा, यहाँ पर खाली होता रहेगा, फिर ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ये होल बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, फिर ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, यहाँ से एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये स्पेस खाली होगा। सिमिलरली ये प्रोसेस इसके अंदर चलती रहेगी, तो इसके अंदर जो ज़्यादा संख्या में होंगे यानी कि मेजोरिटी में होंगे वो क्या होंगे, होल्स होंगे, और माइनॉरिटी में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है यहाँ पर, होल, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। और अब देखो इसका जो एनर्जी डायग्राम है वो किस तरह से बनेगा, इसको समझने के लिए देखो ये क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, ये अपने पास कौन सा बैंड हो गया, वैलेंस बैंड, और ये कौन सा हो गया, कंडक्शन बैंड। जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो होल्स है वो किसका काम करते हैं, एक्सेप्टर का काम करते हैं। अगर यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो कहाँ मूव कर जाएंगे, कंडक्शन बैंड में, और कंडक्शन बैंड में मूव करने के बाद क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी तो क्या जनरेट होगा, करंट जनरेट होगा, ठीक है। यही अपने पास है पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसके लिए थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं, देखो व्हेन वी डोप ग्रुप 13 एलिमेंट इन 14, ये तो अपने को पता ही है, 13 14 15, जब 13 के एलिमेंट इसके अंदर ऐड करते हैं तो देन ग्रुप 13 एलिमेंट फॉर्म 3 बॉन्ड्स, यानी कि तीन रोटी लेके आता है सिलिकॉन के साथ, तीन बॉन्ड बना लेगा, एक बॉन्ड क्या रह जाएगा, खाली। तो एंड फॉर्मेशन ऑफ होल टेक प्लेस, यानी कि एक बॉन्ड खाली रहने के कारण क्या बनेगा, होल्स, और जो ये होल होगा जस्ट लाई अबो द वैलेंस बैंड, कहाँ पर लाई करेगा, वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कहाँ चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेगा। एज पॉजिटिव चार्ज होल्स इंक्रीजिज, मतलब होल्स के कारण क्या होगी, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, और इसी के कारण इसको क्या बोलेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर। आ गया समझ में। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है, वो है चार्ज कैरियर इन एन एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। इसको समझने के लिए देखो सबसे पहले देखते हैं अपन इंट्रेंसिक का केस देखते हैं। इंट्रेंसिक में क्या देखा था अपन ने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स और इज इक्वल टू एन आई, ये अपने को पता ही है क्योंकि मैं अभी अभी पीछे बता के आया हूँ, ठीक है। तो ये रिलेशन पता है अपने को। और आर को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ जनरेशन। अगर मैं एक्सट्रेंसिक के केस में देखूं तो नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं होते, पी टाइप और एन टाइप ही को ले लो, किसी एक बार पी टाइप की बात करें तो किसी में होल्स ज़्यादा होते हैं, किसी में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एन टाइप में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, मेजोरिटी चार्ज कैरियर, और पी टाइप में क्या होते हैं, होल्स ज़्यादा होते हैं, तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर पी टाइप का क्या हो गया, होल्स। अगर सिमिलरली मैं इसके अंदर बात करूं तो रेट ऑफ जनरेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, ठीक है। मैंने जस्ट इस लाइन को मैथमेटिकली इंडिकेट किया है कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्स्टेंट अटता है तो क्या आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अटता है तो क्या आता है, कॉन्स्टेंट आता है। उस कॉन्स्टेंट को मैंने नाम दे दिया ए, आप इसको कुछ भी दे सकते हो, बी सी के डी कुछ भी दे लो अपनी मर्जी से, ठीक है। ये कौन सा केस था अपने पास, एक्सट्रेंसिक, इसमें कुछ भी हो सकता है, पी टाइप भी हो सकता है और एन टाइप भी हो सकता है। उसके बाद आप बात करते हैं इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। इस केस में क्या होगा, इसमें देखो इंट्रेंसिक का मतलब क्या होता है, प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म में देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ आई क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अब देखो रेट ऑफ जनरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स, और ये किसके इक्वल होगा, एन आई। अगर मैं एन आई एन ई लिखता हूँ या एन ई एन एच लिखता हूँ, ये तीनों चीज़ क्या है, इक्वल है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एन आई, मैंने लिख दिया एन आई, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या आता है, एक कॉन्स्टेंट आता है। उस कॉन्स्टेंट का मैंने नाम क्या दे दिया, ए। दोनों केस में कॉन्स्टेंट तो सेम ही होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, जो इक्वेशन फर्स्ट थी और इक्वेशन सेकंड थी, इक्वेशन फर्स्ट ये होगी, इक्वेशन सेकंड ये होगी, दोनों को क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। कंपेयर करने के बाद दोनों में से कॉन्स्टेंट
कैंसिल हो गया। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल। कॉन्स्टेंट क्या हो गया, कैंसल। और एन आई स्क्वेयर इज इक्वल टू एन ई और एन एच। इसके अंदर क्या होता है, एन ई क्या होता है, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ई किसको जनरेट डिनोट करता है, इलेक्ट्रॉन्स को। और नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स एन एच हो गया। और एन आई क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रेंसिक चार्ज कैरियर। ठीक है, ये अपने पास रिलेशन है, ये जर्नली प्रूफ करना आता है। ठीक है, और इसके ऊपर आगे है ना आप बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, यही तक जो अपने टॉपिक डिसाइड करे थे वो अपने कवर हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।